गाइज इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये क्वेश्चन भी कोई टफ नहीं है, इजी है। आप लोगों को सारे क्वेश्चन देखने हैं, आप लोगों को हिसाब नहीं लगाना। अगर आप लोगों को 95 प्लस चाहिए मार्क्स अपने, तो आपको सारे क्वेश्चनों के जवाब लगाने हैं और सारे क्वेश्चनों की वीडियो देखनी है, क्योंकि आपको परसेंटेज अपनी इंक्रीज करनी है। तो हर एक कंटेंट जो हमारे द्वारा अपलोड किया गया है ट्वेल्थ के लिए, सब देखना पड़ेगा। हमसे कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, अ चार्ज रोड अट्रैक्ट्स बिट्स ऑफ ड्राई कॉर्क। ड्राई कॉर्क जो होती है आपने देखा होगा, कॉक शीट नहीं होती जिसको आप बोलते हो, थर्माकोल की शीट, तो उसके जो बिट्स होते हैं गोल गोल गोलियां बन जाती हैं उसके अगर रगड़ते हैं तो आपके पास अगर एक चार्ज रोड है, क्या है, चार्ज रोड है। लेट अस सपोज कि मेरे पास चार्ज रोड पर पॉजिटिव चार्ज है। अब होगा क्या, जो ड्राई कॉर्क की बिट्स हैं या फिर गोलियां हैं कुछ इस तरह से होंगी। अब जैसे ही मैं रोड को इनके पास लेकर आऊंगा तो ड्यू टू इंडक्शन इन पर अनलाइक चार्ज आ जाएगा, इट मींस नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इनके सबके ऊपर। इन साइड में इनके नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये वाली साइड जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगी, ये वाली साइड है सब नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगी, और जो इनका दूसरा वाला एंड रहेगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। जो एंड इस रोड की तरफ को होगा वो तो अपोजिटली चार्ज होगा, और जो दूर होगा उसके ऊपर सेम चार्ज होगा। तो देखो मेरे पास ये थी, ये बिट्स ऑफ कॉर्क है। अब जैसे ही मैं रोड को इनके पास लेकर आया तो ड्यू टू इंडक्शन इनके पास अनलाइक चार्ज डेवलप हो जाएगा, इट मीन्स अगर इसके पास पॉजिटिव है तो इनके ऊपर वाले एंडों के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब निगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करते हैं तो ये इनकी तरफ को अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये अट्रैक्ट होंगी। क्यों अट्रैक्ट होंगी, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में हमेशा अट्रैक्शन लगता, लेकिन जैसे ही ये अट्रैक्ट होकर इसके पास पहुंची, टच हुई, तो जैसे ही टच हो जाएगी गाइस, तो इसके पास क्या होगा, इसके पास ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो पूरा का पूरा इसके ऊपर भी आ जाएगा। मतलब पूरा का पूरा नहीं, ये पॉजिटिव चार्ज जो है कुछ हिस्सा पॉजिटिव चार्ज का इस कॉर्क बिट के ऊपर भी आ जाएगा, शेयर करेगी। आपको पता है ना कि अगर मेरे पास ये न्यूट्रल है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, अगर मैं टच कराकर दूर कर दूं और सेम साइज और शेप की हो तो चार्ज भी दो हिस्सों में टूट जाता, आधा इस पर पहुंच जाएगा आधा इस पर, तो इसका मतलब दोनों पे सेम चार्ज आ गया। तो जब ये दूर थी तब इनके ऊपर इंडक्शन की वजह से निगेटिव चार्ज आया ऊपर वाले सर्फेस पर, लेकिन जैसे ये टच हो गई, टच होने के बाद में जो रोड का चार्ज है वो थोड़ा डिवाइड हो जाएगा इन कॉर्क बिट्स के ऊपर। अब इसके ऊपर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल्शन लगाएंगी, रिपल्शन की वजह से ये वायलेंटली दूर भागेंगी, बहुत तेजी से दूर भागेंगी। तो यही रीजन है। रीजन क्या है, अ चार्ज रोड अट्रैक्ट बिट्स ऑफ ड्राई कॉर्क विच आफ्टर टचिंग, टच होने के बाद ऑफन जंप अवे फ्रॉम इट वायलेंटली। तो ये जो है बहुत तेजी से दूर को भागती हैं। क्यों भागती हैं, ड्यू टू रिपल्शन। तो आप एक लाइन में आंसर लिख सकते हैं, कॉर्क बिट्स जंप अवे वायोलेंटली ड्यू टू रिपल्शन, ड्यू टू रिपल्शन फोर्स बिटवीन बिट्स एंड रोड। ये आपने मेन पॉइंट लिख दिया, बिट्स और रोड के बीच में रिपल्शन फोर्स लेगा। अब कैसा हुआ है सब कुछ, ये वाली बात लिख सकते हो, है ना, व्हेन रोड ब्रिंग्स नियर टू कॉर्क बिट्स by induction, unlike charge developed, on the bits at near ends, so they attract but after touching the road share
सेम चार्ज टू द बिट्स, सो बिट्स फॉर अवे, बिट्स जंप अवे लिखो, जंप अवे वायोलेंटली। देखो सीधी सी बात है, जो मैंने बोला सब कुछ वही मैंने लिख दिया। मैंने कहा कॉर्क बिट जो है वो जंप पे वायलेंटली ड्यू टू द रिपल्शन ऑफ द रिपल्शन फोर्स बिटवीन बिट्स एंड रोड। अब आगे तारीफ लिख दी मैंने, व्हेन रोड ब्रिंग्स नियर टू द कॉर्क बिट्स बाय इंडक्शन, अनलाइक चार्ज डेवलप ऑन द बिट्स एट द नियर एंड, सो दे अट्रैक्ट आफ्टर टचिंग द रोड, रोड शेयर सम चार्ज टू द बिट्स, बिट्स को कुछ चार्ज शेयर कर देती है जिसकी वजह से सो बिट्स जंप अवे वायलेंटली ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन लाइक चार्जेस। अब लाइक चार्जेस दोनों के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा तो लाइक चार्ज की वजह से रिपल्शन लगा देगी रोड कॉर्क बिट के ऊपर, जिसकी वजह से वो बहुत तेजी से दूर भागेंगे। थैंक यू।